दिनांक 20/2/22 को शहर में भव्य शोभा यात्रा निकलेगा, जिसमें हम अपील करेंगे कि आप सभी भक्त इस शोभा यात्रा में 11 बजे दिन में कल रविवार को शामिल होने का कष्ट करें। शोभा यात्रा में जितने भी मूर्ति हैं सभी मूर्ति को रथ पे बिठा के मंदिर मंदिर घुमाया जाएगा और फिर पुनः हम लोग इस मंदिर में मूर्ति को स्थापित करेंगे। बात आपकी देखना शुरू कर चुके होंगे, आपके कैमरे में एक बहुत ही भव्य मंदिर नज़र आ रहा है, ये मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये गोपालगंज का पोस्ट ऑफिस वाला रोड है, उसके सामने एक प्राचीन शिव मंदिर है जिसका इतिहास बहुत ही पुराना है, कह सकते हैं 200 वर्ष से भी पुराना इतिहास है, जहां बहुत मतलब कह सकते हैं कि भगवान शिव आत्म प्रकट हुए थे, अपने आप से प्रकट हुए थे और यहां पे लगातार लोग यहां पूजा पाठ कराते हैं। और इसी कार्यक्रम के तहत 18/2/2022 से आज 19 तारीख है, यानी कि कल से यहाँ से महायज्ञ शुरू है। हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से, कैसी मतलब यज्ञ आप लोग करा रहे हैं? इस मंदिर के हम महासचिव हैं। यह मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है, लगभग 300 वर्ष पुराना यह मंदिर है। अब यह मंदिर पहले जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गया था, यह तीसरी बार मंदिर का हम लोग पुनर्निर्माण कराए हैं और दिनांक 18/2/2022 से कलश यात्रा आरम्भ हुआ और हम लोग का यज्ञ शुरू हुआ है और मंदिर बाबा भोलेनाथ का हम लोग पुनर्स्थापन कर रहे हैं। 2 मंजिल पे नीचे से ज़मीन का लाग रहेगा और बाबा दूसरे मंजिल पे चले जाएंगे और सोमवार को हम लोग का बाबा का स्थापना होगा। कल यानी दिनांक 20/2/22 को शहर में भव्य शोभा यात्रा निकलेगा, जिसमें हम अपील करेंगे कि आप सभी भक्त इस शोभा यात्रा में 11 बजे दिन में कल रविवार को शामिल होने का कष्ट करें। शोभा यात्रा में जितने भी मूर्ति हैं सभी मूर्ति को रथ पे बिठा के मंदिर मंदिर घुमाया जाएगा और फिर पुनः हम लोग इस मंदिर में मूर्ति को स्थापित करेंगे। कार्यक्रम कितने बजे से स्टार्ट होगा? कार्यक्रम कल 11 बजे से शुरू होगा और बंजारी होते हुए दुर्गा मंदिर, जादूपुर रोड होते हुए, घोष मोड़ होते हुए, अम्बेडकर चौक होते हुए पूरा कल शोभा यात्रा निकलेगा। यानी कि कल यहाँ से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, भगवान शिव है उनकी जो यात्रा है निकाली जाएगी, जो पूरे शहर में घुमाई जाएगी, मतलब पूरे गोपालगंज में घुमाई जाएगी। अगर जो लोग भी इसमें आके भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, भगवान के शोभा यात्रा में भाग लेना चाहते हैं, तो वो आएँ। यहाँ 11 बजे से ये कार्यक्रम स्टार्ट की कर दी जाएगी। मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ कि कितना बढ़िया इसको खूबसूरत बनाया गया है। हालांकि अभी बंद कर दिया गया है, मैं अंदर नहीं जा सकता, लेकिन मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि थोड़ा करीब आएँ और सारी चीज़ों को दिखाने का प्रयास करें। काफ़ी बेहतरीन बनाया गया है, यानी पुराना प्राचीन मंदिर ये था, अब इसको मतलब ये जो शिवलिंग है ऊपर जाएंगे, नीचे से कनेक्टेड भी है और ये मतलब दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा भवन पुराना हो गया था, जैसे कि बता रहे थे मिंकू सिंह जी कि ये 300 करीब लगभग 300 वर्ष पुराना है मंदिर, यानी 3 बार ये मंदिर निर्माण हो चुका है और इसका सबसे बड़ा इतिहास ये है कि ये प्राचीन मंदिर है जो भगवान शिव यहाँ अपने आप प्रकट हुए थे। आपको पता है इसके इतिहास के बारे में? ये मेरे जन्म के पहले का मंदिर है, तो इसके बारे में कुछ नहीं, 300 पुराना मतलब तो 3-4 पीढ़ियां। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बारे में खास पता नहीं है, बस बचपन से हम भी सुने हैं कि बचपन से कि ये बहुत प्राचीन है, हमारे दादा परदादा इसमें रहा करते थे, सहयोग किए थे लोग, हम लोग भी अब हैं, आगे भी रहेंगे लोग। चलिए, मंदिर के प्रांगण में है कुछ शिव भक्त हैं, इनसे बात करते हैं। कल यहाँ शोभा यात्रा निकाली जाएगी, कैसा मतलब कैसा लग रहा है आप लोग को ये सारा इतना बड़ा महायज्ञ? बहुत अच्छा लग रहा है, ये आज सौभाग्य की बात है कि गोपालगंज में ऐसा रंग भगवा से रंगा गया है कि गोपालगंज की शोभा यात्रा पूरी जोर तोर से सब जितने घर से सब इसकी शोभा यात्रा में भाग लें और सारे लोग आकर के इस मंदिर की प्राचीन मंदिर जो आज सजाया गया है, ये मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। जब मैं यह 1980 से इस मंदिर की भावना को देख करके मैंने आज देखा कि आज एक भव्य मंदिर जब तैयार हुआ, जब भव्य मंदिर तैयार हुआ, एक अयोध्या का मंदिर तैयार हुआ, एक काशी कॉरिडोर का तैयार हुआ, अब बाकी है मथुरा, वहाँ भी हमारा लगेगा। जय श्री राम। आप क्या कहना चाहिएगा इस? अब कल सुबह 10 बजे कल शोभा यात्रा निकलेगा और भारी संख्या में हम लोग एक साथ रहेंगे और यहाँ से निकलकर ये बंजारी होते हुए, कैलाश होटल होते हुए, पुरानी चौक होते हुए, अम्बेडकर चौक होते हुए भारी मात्रा में हम संख्या में निकलेंगे। नौजवानों से क्या कहना चाहेंगे? नौजवानों से यह कहना चाहेंगे कि जितने हमारे भाई नौजवान भी हैं, हाँ,
जितने भाई हैं, चाहे अंकल हैं, चाहे जो भी हैं, भारी से भारी संख्या में जुटे और शोभा यात्रा को बहुत महत्वपूर्ण बनाए। चलिए, आप देख रहे थे बात आपकी, अभी हम थे प्राचीन मंदिर शिव मंदिर गोपालगंज का, जो बहुत ही फेमस है, लगभग 300 वर्षों से इसका पुराना इतिहास रहा है। और भक्त है हमारे पास, हालांकि थोड़ा कह सकते हैं प्रधानमंत्री के भाषा में कि दिव्यांग है, लेकिन शिव भक्ति में काफ़ी जोश और क्रोध से बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहिएगा? कहना क्या है, शिव मंदिर का निर्माण हुआ है जो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें हमने भी सहयोग दिया है, प्रसाद बांटे हैं और भगवान शिव के भक्ति करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम इससे बहुत खुश हैं। क्या कहना चाहिएगा जो आपके जैसे युवा लोग हैं? कहना, अब सब युवा से यही कहना है कि अब विकलांग हो चाहे ना हो, अगर आप कुछ करने के योग्य हैं तो बिल्कुल करना चाहिए। शरीर से नहीं, कुछ लोग होता है ना शरीर से विकलांग लोग, बहुत मतलब दिव्यांग जिसको कह सकते हैं प्रधानमंत्री की भाषा में, शरीर से दिव्यांग होना कोई माने नहीं रखता है। ऐसे ऐसे दिव्यांग लोग हैं जो देश का नाम रोशन किए हैं, लेकिन मानसिक रूप से जो दिमाग में, मतलब कुछ लोग दिमाग से विकलांग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, तो उनके लिए क्या कहें? अब उनके लिए तो कहने लायक कुछ हो नहीं सकता है। अब आपको अपनी मानसिकता बदलने के लिए बहुत करना पड़ता है, लेकिन अब उनको अपना मानसिकता बदलने में, अब उसमें क्या बोल सकते हैं, अब मन में हौसला हो तो कुछ भी हो। हाँ, तब क्या, हौसला रखना चाहिए, खुद पर विश्वास होगा तो आप किसी भी तरह के मानसिकता को बदल सकते हैं। चलिए, आप देख रहे थे बात आपकी, मैं दीपक सिंह का सब, धन्यवाद। ठीक।